हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मामा अर्थ के फाउंडर गजल अलक के बारे में, जो कि काफ़ी चर्चे में हैं जब से उन्होंने टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक में एज अ शार्क ज्वाइन किया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। ना कोई बिजनेस डिग्री, ना सिल्वर स्पून, कुछ था तो सिर्फ माँ होने का एक्सपीरियंस और जुनून इंडिया की चॉइस बदलने का। मैं हूँ गजल अलग, को फाउंडर एट मामा अर्थ, और मैं शार्क टैंक इंडिया की मामा शार्क हूँ। अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को डिग्री बनाकर मैंने अपने लिए एक नई पहचान बनाई। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि यार कोई भी मुश्किल आएगी उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको ओवरकम कैसे करना है। नई मादा बनी थी और मैं साथ ही मामा अर्थ भी बिल्ड कर रही थी। इट वॉज लाइक रेजिंग टू बेबीज टुगेदर। बस उस एटीट्यूड के साथ हम बढ़ते गए एंड वी आर वेयर वी आर टुडे। उनका जन्म 2 सितंबर 1988 को गुड़गांव हरियाणा में हुआ था। उनका बचपन वहीं बीता। उन्होंने BCA की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से 2007 से 2010 के पीरियड में ली। उन्होंने फाइन आर्ट्स की भी डिग्री ली है न्यूयॉर्क आर्ट एकेडमी से 2013 में। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है। बाद में 2011 में उन्होंने वरुण अलग से शादी की और उनका बेटा अगस्त 2016 में पैदा हुआ था। गजल अलग की नेटवर्थ लगभग 10 से 20 मिलियन डॉलर है। चलिए अब बात करते हैं कि उन्होंने मामा अर्थ कैसे शुरू किया था। एक वीडियो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जब उनके बेटे अगस्त को एक स्किन प्रॉब्लम थी जिसकी ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने कई सारे इंडियन प्रोडक्ट्स यूज किए, बट कोई भी प्रोडक्ट्स उनके स्किन पे सूट नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाना स्टार्ट किया और लकीली वो प्रोडक्ट्स ने बेहतर काम किया उनके स्किन पे, जिससे उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तब गज़ल के दिमाग में आया कि ऐसा क्या है जो इंडियन प्रोडक्ट्स काम नहीं कर रहे हैं और बाहर की कंट्री से मंगाए हुए प्रोडक्ट्स काम कर रहे हैं। तब उन्होंने कंपोजिशंस चेक की और उन्हें पता चला कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में बैंड हैं। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसा बनाएंगी जो बेबीज़ के लिए अच्छा हो और केमिकल फ्री हो। तब उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ ये डिस्कस किया और उन्होंने 2016 में मामा अर्थ की शुरुआत की, जो कि इनिशियली एक बेबी प्रोडक्ट ब्रांड था, पर धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे और प्रोडक्ट्स को ऐड किया और अब आप देखेंगे कि उनके पास फुल फैमिली के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्किन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। और आपको बता दें कि मामा अर्थ एशिया की फर्स्ट ब्रांड है जो मेडसेफ सर्टिफाइड है, जिसका मतलब ये है कि मामा अर्थ में किसी भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।